हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गाजर का हलवा सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए ये सारी सामग्री है जो कि आप देख रहे हैं। अब मैं जो मेरी ग्रेट की हुई कैरोट या गाजर है वो कुकर में डालूंगी। तो उसके लिए पहले मैंने दो चम्मच मैंने घी डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये सारी जो ग्रेट की हुई गाजर है ये डाल दूंगी। और इसी में मैं शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, जितनी आपको पसंद है। और ये अब मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और इसमें लगभग 1 या 2 विसल में ले लूँगी। मेरी लगभग, अगर 1 किलो कैरोट थी तो मैंने लगभग 300 ग्राम करीब या 350 ग्राम करीब शक्कर डाली है। अब इसको जैसे ही हम सीटी खोलूंगी, तो मैं इसको जब चलाती हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारा इस पे पानी है। तब नेक्स्ट स्टेप आती है पानी सुखाने की, क्योंकि कैरोट हलवा जो होता है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इसमें घी और ऐड कर रही हूँ, इससे अरोमा बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो आप ना डालें घी, अगर आपको कम घी में बनाना है कैरोट हलवा तो। इसी को हम चलाते जाएंगे जिससे कि सारा पानी सूखता जाएगा। अभी मेरा कैरोट हलवे में पानी, जैसा कि आप देख रहे हैं, सूख गया है। तो ये मैं इसमें मावा डाल रही हूँ। अब मैं इसे कुकर में चलाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने पैन पे ट्रांसफ़र कर लिया है। पैन पे चलाने के बाद जितने भी ये मावे के गुठले हैं ये चलाते चलाते हम फोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा होममेड मावा है। आप मेरे होममेड मावा की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये मिनटों में तैयार हो जाता है। अब इसमें मैंने किशमिश डाल दी है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। मुझे किशमिश पसंद है और कोकोनट पाउडर पसंद है, तो मैं वो डाल रही हूँ। और आप टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको शक्कर कम लगती है तो आप शक्कर और ऐड कर सकते हैं गाजर के हलवे में। ये नारियल का भूरा डाल रही हूँ मैं। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसको हम चलाते जाएंगे जब तक कि मावा इसमें अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। अभी कैरोट हलवा मेरा बन करके तैयार है। प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।